जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एचटीएमएल की क्लास में आज हम पढ़ेंगे ब्रेक टैग के बारे में और बोल टैग के बारे में, ठीक है। और कुछ बच्चों का डाउट है कि सर हेडिंग का कलर चेंज नहीं हुआ था, पैराग्राफ का पूछ करके दिखा देते, ठीक है। राइट लिखिए, ओपन विथ कोट। इमेज वो नहीं लगाएगा, थोड़ी अच्छे पड़ी। देखने नहीं कैसा आ रहा है। आ रहा था पूरा, अंधार है। अरे वो अलग बात है, आ रहा है पूरा। यहाँ देखो ना, यहाँ देख आ रहा है। तो पिक्चर उसी तरह डाउनलोड करना जिस तरह काम, ठीक है। चलो तो काम कोई बात नहीं, जिस तरह आप बताएं उस तरह कर लेना, ठीक है। हाँ काम चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब ठीक है ना, तो आज क्या पढ़ना है हमें बच्चों? आज हमें पढ़ना है, पहला तो पढ़ना है ब्रेक टेक, इसके बारे में, ब्रेक रो के बारे में। अलाइनमेंट तो पढ़ा दिए थे ना सारा, ठीक है। देखिए ब्रेक रो क्या कह रहा है कि यदि किसी पैराग्राफ के अंदर हमें न्यू लाइन की जरूरत है तो हम वहां बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। बी आर टैग कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए। जैसे H1 लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए फिगर पेज नंबर 7 पे ब्रैकेट में लास्ट वाला जो ब्रैकेट बना हुआ है, वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेडिंग 1 हो गया है। उसके नीचे पहला पी लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। टैग ओपन करके टैग क्लोज करिए और नहीं तो इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एड्रेस ATTRESS, कामा, पहले BR मत लगाइए, पहले ऐसे लिखिए डायरेक्टली। लिखा है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहले ऐसे लिख लीजिए। तो अंतर कैसे पता चलेगा कि BR लगाने से क्या फायदा है? रेलवे स्टेशन नोनिया पट्टी रोड, पूनिया पट्टी रोड, पडरौना कुशीनगर, पडरौना कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हाँ तो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, पडरौना कुशीनगर लिख दिया क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई, कुछ ही नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और यूपी 2747, कोई दिक्कत है? और कंट्रोल SC। अब देखिएगा सब एक ही लाइन में दिखा रहा होगा, सब एक लाइन में दिखा रहा है, लेकिन कह रहे जाने अलग अलग रूट पे, अलग अलग उस पे दिखाना है, तो क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम बी आर टैग का यूज करते, जहां से तोड़ना है वहां से तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कहां से बी आर टैग लगाया, देखिए बी आर लगाया है रेलवे से पहले, तो टैग ओपन करेंगे, लिख देंगे बी आर और टैग क्लोज कर देंगे, बी आर हो गया, यहाँ से तोड़ देगा। फिर नोनिया पट्टी से पहले भी लगाया है, टैग ओपन करिए, बी आर लिखिए, बी क्लोज कर दे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से पहले लगाया है, बी आर टैग ओपन करिए, बी आर लिखिए, क्लोज कर दे। बस जितना लिखने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए और क्या करिए, देख लीजिए। देखिए अलग अलग लाइन शिफ्ट हो गया, अंतर समझ में आ गया ना क्या है ब्रेक है? या ऐसे समझिए, एक और हेडिंग ले लिया, मान लो जैसे कि मान लो इधर आ गए,
लीजिए एक और पैराग्राफ ले लीजिए, पैराग्राफ ही लेने, हाँ पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ यहाँ ले लिया, मान लो लॉरेम कर लिया, लॉरेम एंटर कर दिया, तो डाटा आ ही जाएगा लॉरेम वाला, देखिए डाटा आ जाएगा, रिफ्रेश करिए, हेडिंग नहीं लिया ना, ठीक है ऐसा लिख दिया, कंट्रोल एस सेव कर दी, आ गया डाटा। अब देखिए एसआरवी के भीतर, अब हम जाते हैं इस लाइन पे, बस यहीं तक रहे, कहाँ तक, इलिट तक, बाकी बाकी क्या हो जाए, अगले लाइन में शिफ्ट हो जाए, यहाँ आईडी वाला लाइन अगले लाइन में शिफ्ट हो जाए, यहीं तक रहे, इलिट तक रहे, तो क्या करेंगे, इलिट से पहले, इलिट के एक, इलिट के जस्ट बाद जहाँ से आईडी शुरू हुआ है उससे पहले क्या लगा देंगे, टैग ओपन और क्या लगा देंगे, बी आर, बस, और कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव करने के, आप देख सकते हैं पहले मेरे बाकी के लाइन आया कि नहीं, बी आर टैग, सुन आसान है कि नहीं आसान। अगला है आपका बोल्ड टैग, क्या है बोल्ड टैग, बोल्ड टैग क्या होता है, जब जो आप लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़ते हो नॉर्मल ना, वही है, बोल्ड करना है, तो कह रहा है पैराग्राफ के अंदर यदि किसी टेक्स्ट को हमें मोटा हेडिंग या बोल्ड बनाना है तो बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं। अब उसके हिसाब से डाटा तैयार कर लीजिएगा, अब टाइटल लिखा हुआ है जाने वाली हम चेंज कर दे रहे हैं, पूरा टाइटल लिख दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक्सपर्ट, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक्सपर्ट, टाइटल चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग वन लिखा हुआ, हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग वन लिखा हुआ है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रहने दो, वही वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हम हटा दे रहे हैं, क्या करते हैं, हेडिंग वन सही है, और उसके भीतर लिखा हुआ है पैराग्राफ, लिखा हुआ है ना, तो पैराग्राफ क्या लिखना है डायरेक्टली आप वही लिख लीजिए, और इसको नीचे कर दीजिए, नीचे करते रहिए और एक एक करके लिखते जाइए, क्या लिखना है, पैराग्राफ के भीतर बहुत सारे पैराग्राफ लिखने हैं, क्या क्या देखिए, तो एड्रेस लिख रहे ना, एड्रेस, लैंडमार्क, विलेज, दिक्कत होते जाएंगे, और आपको ये भी देखिएगा यहाँ भी बी आर टैग का यूज किया गया, क्योंकि अलग अलग लाइन में लिखना है ना, इसीलिए देखिए इसमें बी आर टैग का भी यूज किया गया है, जानते हैं क्यों, क्योंकि आप इंटर तक अगर हम लगातार लाइन लिख भी देंगे, देखिए जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लो मैं लिख दिया जैसे प्रदीप, प्रदीप इंटर, और लिख दिया रवि इंटर, लिख दिया सत्यम, और इसको रन कराइए तो कंट्रोल एस सेव किया, रन करिए, देखिए एक ही लाइन में लिखाएगा, एक लाइन में लिखा ना ना, इसलिए बी आर टैग का भी यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इससे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बोल्ड टैग, पहले लिखा है बोल्ड टैग, पहले लिखा है बोल्ड टैग, क्या लिखा है, बोल्ड टैग, बोल्ड में लिखा हुआ है यही, लेकिन क्या लिखा हुआ है बोल्ड में, बोल्ड में लिखा हुआ है एड्रेस, क्या लिखा हुआ है एड्रेस, हटा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए ADDRESS एड्रेस, और एड्रेस में, एड्रेस में के बाद बी आर टैग लगाया हुआ है, बी आर टैग लगाएंगे ताकि अलग अलग लाइन में रहे, इंटर करेंगे, इसको हटा दीजिए सब, उसके बाद से फिर से बोल्ड टैग लगाएंगे, बोल्ड टैग क्लोज कर दीजिए, और इसके भीतर लिख दीजिए क्या, एड्रेस के बाद क्या है, लैंडमार्क, क्या लिखा हुआ है, लैंड मार्क, लैंडमार्क के बाद कॉलन लगाया है, कॉलन लगा देंगे, कॉलन के बाद से क्या किया है, बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद लिखा हुआ है लैंडमार्क में क्या, नोनिया, अच्छा नियर, हाँ सॉरी सॉरी, नियर पडरौना रेलवे स्टेशन, हो गया, और यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे ना, हाँ बाद में लगाएंगे कि उसके
बाद ही जहां जहां से लाइन चेंज करा वही लगाते हैं ना, यहाँ इस लाइन में रहेगा, इसके बाद वाला अगली लाइन में शिफ्ट होते हैं। पागल है क्या, इतना दिमाग से पैदल है? अरे भाई यहाँ बी एड्रेस के बाद बी टैग लगाया है, एड्रेस लाइन में रहेगा, इसके बाद जो भी लाइन आएगी अगली टैग में रहेगी, समझिएगा ध्यान से। यहाँ बी टैग लगाए, एड्रेस लिखे हैं, तो यहाँ बी लगाने के बाद मतलब इसके बाद जो भी लाइन आएगी वो अगले लाइन में रहेगी। इंटर दबाने से थोड़ी लाइन चेंज हो जाता है, बी से एड्रेस के बाद लैंडमार्क, अब लैंडमार्क वाली लाइन एक लाइन में रहेगी, फिर लाइन चेंज करना है तो फिर बी टैग लगा दिए, इस तरह हो रहा है। फिर इंटर करेंगे, फिर बोल्ड टैग लगा लीजिए, क्लोज कर दीजिए, और क्या लिखना है इसमें, विलेज, विलेज क्या लिखा हुआ है, विलेज क्या लिखा हुआ है, नोनिया, पट्टी, और क्या लगा देंगे, बी आर टैग, क्यों, ताकि इसके बाद में जो लाइन होगी अगले लाइन में शिफ्ट कर, फिर बोल्ड टैग का यूज करेंगे, और क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, पोस्ट क्या है, पड़ोना, पड़ोना, और फिर से बी आर टैग, उसके बाद क्या है, बोल्ड टैग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा हुआ है, कुशीनगर, और क्या लिख दें कुशीनगर के बाद, उसके बी आर, उसके बाद से क्या है, गोल्ड टैग, क्लोज, क्या पिन है ना, पिन कोड, क्या है पिन कोड, 27 27 04, और बस अब बी आर टैग लगाना नहीं है क्योंकि आप लाइन बदलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्या लिखा है, स्ट्रेच छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइन इंटर मार दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या होगा आपका, उत्तर प्रदेश, लगा देंगे, ठीक है, कंट्रोल यस सेव कर देंगे, आप उसको रन करा लीजिए। देखिए तो जो हेडिंग बनाया था जिसको बोल्ड किए थे वो बोल्ड है, जिसको नाम किए थे नॉर्मल है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल ही लिखे थे, और बी आर लगाए थे ताकि अलग अलग लाइन लिखे, क्योंकि अलग एड्रेस के बाद अलग लाइन है, रेलवे स्टेशन के बाद अलग लाइन है, यही बता रहे लिखा है अलग अलग लाइन, तो पहले कब लगाया जाता है, जहां से तोड़ना है, मान लो लाइन लिखी का, हाँ तो यहाँ लाइन चेंज, लाइन बाई लाइन बना रहे ना, मतलब 4 5 लाइन लिखा रहा था तो उसमें पहले बार समझ में आता, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, यही टैग दो आपको पढ़ा, कॉलन कॉलन होते हैं, COLON, कॉलन, के बाद बोर्ड नहीं ऐसा नहीं, हम वहीं तक बोल्ड के भीतर उतना ही लिखे ही, जैसे देखो लैंडमार्क के बाद बस यहाँ तक बोल्ड है, लैंडमार्क में मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, देखो लैंडमार्क के बाद यहाँ लिख दिया प्रदीप, जितना बोल्ड है के भीतर लिखेंगे वो सारा प्रदीप लिखे हैं, प्रदीप नहीं लिखे थे, देखो प्रदीप काला हो, बाहर बाहर लिखे कहाँ काला हो, डार्क नहीं होगा क्योंकि बोल्ड है। अरे भाई यहाँ देखो बोल्ड है कहाँ लगा है, ये बोल्ड है यहाँ लगा है, यहाँ बोल्ड है बंद हो गया है, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ बोल्ड टैग लगा है ओपन हुआ है और यहाँ बंद हो गया है, तो इसके पीछे जो रहेगा उसी को ना बोल्ड करेगा, वो जो नहीं है उसको कहाँ बोल्ड करेगा, आया कि नहीं समझ में, बस यही दो करना है, और टैग बनाते एक रहने दो, कौन से कलर लो ना, हेडिंग का कलर चेंज करें, तो उसके लिए मैं बताया था आपको, आप यहाँ आ जाइए, क्या स्टाइल के भीतर, स्टाइल के भीतर, और मैं कहा था यहाँ पे लिखिएगा यशवंत, हेडिंग वन तो है ना, एक ही हेडिंग है वहां पे, हाँ, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, देखिए, और लिख देना है क्या कलर, और कॉलन लगा देंगे, कॉलन, कॉलन लगाएंगे तो अपने आप कलर आ जाएगा, मैंने लिख दिया रेड, बस हो गया, देखो बाहर क्लिक किया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, तो अगली जगह पर पैर रख नहीं,
पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, पैराग्राफ होगा तभी ना पैराग्राफ चेंज होगा। हाँ देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ पैराग्राफ भी चेंज कर दे रहे हैं। देखो इंटर किए, हाँ यही लगा है, पी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और लिख दिया कलर, पैराग्राफ लगाया है ना, कहाँ पैराग्राफ लगाया है कोई, तो पहले उठा लेंगे फिर गड़बड़ हो जाए। मान लो यहाँ पे पैराग्राफ भी ले लिया, पैराग्राफ ही भीतर तो सब है, तो ठीक है देखते हो लगाते हैं, बताया कर पैराग्राफ उसमें ये यहाँ पे पी हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया और लिख दिया कलर, COL हुआ कलर, और कॉलन लगाएंगे तब तो उसके बाद आएगा, मान ली लिखे एक हुआ लग गया, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। चेंज वर्क नहीं हो रहा, लिख लीजिए कोड, लिख लीजिए स्टाइल के भीतर। देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास। हाँ।